सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे घर में करीब 19-20 साल बाद एक नया फैमिली मेंबर आने वाला है। मतलब कि वो फैमिली मेंबर आ चुका है इस दुनिया में, पर हमारे घर में पहली बार आने वाला है। दरअसल जो फैमिली मेंबर हमारा आने वाला है वो है मेरा भतीजा। उसका मतलब कि आज से 4-5 महीने पहले इसका जन्म हो चुका है, पर वो उसका जन्म हुआ अपनी नानी के घर। तो सर्दियों का टाइम था तो उसकी नानी उसका बहुत ध्यान रखती है, इसलिए उसकी नानी ने उसको आने दिया। तो अब थोड़ी गर्मियाँ भी आ चुकी हैं और मतलब कि वो थोड़ा बड़ा भी हो चुका है, तो इसलिए अब वो हमारे घर आ रहा है। तो उसकी एंट्री को ग्रैंड एंट्री बनाने के लिए हमने सारा घर सजाया हुआ है। अभी और सजाना बाकी है, तो उसके एंट्री को और मस्त बनाने के लिए, उसका वेलकम करने के लिए देखिए मेरा वेलकम ब्लॉग बेबी का। तो चलिए चलते हैं, देवू की दादी से पूछते हैं कि उसको कितनी एक्साइटमेंट है देवू के आने पर। मम्मी बता कर कितनी एक्साइटमेंट है देवू के आने पर। देवू के आने पर बहुत खुशी है। अच्छा, क्या क्या खुशी है बता। खुशी फूलों ने समा रही हूँ, देखेंगे देवू आएगा, देवू के वास्ते देखे गुब्बारा फुलाया हूँ। अच्छा जी, यो देख दूध का निप्पल लेकर आया हूँ, देख यो देख खिलौना लेकर आया हूँ। वाह भाई वाह। उसके वास्ते देख यो टायर जियर लेकर आया हूँ, खिलौना टायर मेरे। और उसके वास्ते देख ये फूलों की माला रखा हूँ, देखा। मतलब पूरी तैयारी कर रखी है, पूरे तैयारी के साथ खुशी खुशी उसका जन्मदिन की तरह उसका घर सजा दिया हूँ। और देवू का आने का खुशी इतना है कि किसी को बता भी नहीं सकता हूँ। तो देखा आपने कितनी एक्साइटमेंट है देवू की दादी देवू के लिए। मतलब कि इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना कि 19-20 साल बाद कोई घर में छोटा आएगा। अब तक सिर्फ मैं ही छोटा था घर में, अब उसकी घर में किलकारियाँ गूंजेगी, उसका रोना, उसका हगना, मतलब कि जो जो बच्चे बच्चे में होता है, इतनी खुशी हो रही है ना। अभी कुछ ही टाइम में वो आने वाला है और इतना एक्साइटेड हूँ ना मैं उसके लिए। मतलब कि पूरा सजावट कर रहा हूँ अभी, यहाँ से लेके वो गेट तक, उसके क्या बोला है, चलने के लिए फूलों की एक सड़क बनाऊंगा। तो बन रही है ब्लॉग में, देखिए। देखो पूरी तरीके से मैंने अपना घर सजा दिया है, बस सिर्फ अब देवू के आने का इंतजार है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब बस फिर देखते हैं देवू के आने के बाद क्या माहौल बनता है। अभी पूरी तरीके से घर सजा दिया है मैंने, ये देखिए। इसमें देवू को सुलाएंगे और इसके लिए ये चुस्मी, खिलौने, टेडी बियर सब कुछ रख दिया है। बस बिल्कुल कि बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बस देवू आ जाए जल्दी से बस। तो फाइनली हम 12 कैंट के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। अब से सिर्फ 10-15 मिनट बाद गाड़ी आने वाली है, जिसमें मेरे भैया भाभी और देवू आने वाला है। मैं और मेरा भाई उनको लेने के लिए आए हुए हैं। तो बस 10-15 मिनट रह गए हैं,
इंतजार खत्म हो जाएगा फिर। फाइनली पहुंच चुके हैं सारे, ये हमारा देवू। ओए देवू देख। देवू के वेलकम को और अच्छी तरीके से वेलकम करने के लिए अब हम देवू के लिए केक लेने जा रहे हैं मार्केट में, फिर केक काटेंगे उसका।
यहीं पर आज का ब्लॉग खत्म करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।